गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश्वरी, योर मैथ्स टीचर वेलकम्स यू टू द मैथ्स क्लास. होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन. माई डियर स्टूडेंट्स, इन आर यस्टरडेज क्लास वी हैव लर्न्ड मैनी टाइप ऑफ पैटर्न्स. ओके, पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि कौन से क्रम में वो आगे बढ़ता है या घटता है. ठीक है, तो अभी हम लोग एक कहानी के द्वारा पैटर्न्स के परिभाषा समझेंगे. देखो बच्चों, यहाँ पे एक कहानी दिया गया है. कहानी में ये लिखा गया है कि बिन्नी एंड गिन्नी वेर गोइंग टू होम. बिन्नी और गिन्नी वे दोनों होप की दो बहनें हैं और वे लोग अपना घर जा रहे थे. ठीक है, ऑन द वे दे सॉ सम पीपल मेकिंग द पेमेंट. ओके, वो जब रास्ते पे जा रहे थे ना, उन्होंने देखा कि कोई कुछ मिस्त्री लोग एक घर के फर्श बना रहे हैं, यानी कि फ्लोर का डिजाइनिंग कर रहे हैं. ठीक है, द टाइल्स यूज्ड वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइंस. वे लोग वो घर को बनाने के लिए और घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो टाइल्स यूज किया करते थे वो बहुत डिफरेंट अलग अलग कलर्स के थे और अलग अलग डिजाइंस के भी थे. ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को तो ज़रूर पता है कि घर को जब हम बनाते हैं घर की सुंदरता पर ख़ास ध्यान देते हैं, और ख़ास ध्यान देते वक्त ना आजकल हम लोगों का ये पैशन बन चुका है. हम लोग पसंद करते हैं कि तरह तरह के रंग बिरंगे टाइल्स बनाकर घर को और सुंदर किया जा सकता है. आप लोगों के घर में भी टाइल्स का डिज़ाइन होगा, है ना. तो देखो, दिस इज व्हाट दे सॉ. देखो पहले जो चित्र दिया गया है डायमंड शेप में जो है वो टाइल्स उन लोगों ने देखा था. कहाँ पर देखा था? जब वे लोग अपने घर के लिए लौट रहे थे, वो जो जहाँ पे मकान बन रहा था वहीं पे वो ये सारे टाइल्स को देखे थे. नाउ ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन ए रोप. जब वे लोग घर पहुँचे तो वहाँ देखे कि उनकी माँ का साड़ी एक रस्सी में सुखाया हुआ था. ठीक है, हम लोग भी अपना कपड़ा धूप के कारण सुखाते हैं, आप लोग भी सुखाते हैं ना. तो वो लोग अपने मम्मी के साड़ी को देखे. इट ऑल्सो हैड ए नाइस डिजाइन विथ डिफरेंट कलर्स. देखो बेटा, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के साड़ी के ऊपर रेड कलर के डॉट्स हैं, येल्लो डॉट्स भी है, लीव्स का भी पैटर्न बनाया हुआ है ना, और उसमें ग्रीन कलर्स भी दिए गए हैं, तो साड़ी बहुत प्यारा लग रहा है. बच्चों पैटर्न्स हर एक जगह पे मिल सकता है. ठीक है, पैटर्न्स डिफरेंट जगह पे हम लोग देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे वे लोग साड़ी में भी पैटर्न देखे थे. देखो साड़ी को अगर आप लोग एक बार गौर से देखोगे तो साड़ी का भी एक पैटर्न नज़र आएगा, है ना. वेरी गुड. नाउ इन द इवनिंग दे वेर प्लेइंग इन ए पार्क. जब शाम हुआ तो वे लोग क्या किए कि अभी वो लोग पार्क में खेल रहे थे और वे लोग देखे कि वहाँ पे आयरन का ग्रिल भी था. ठीक है, आप लोगों के घर में भी बहुत सारे ग्रिल्स होते हैं, है ना. तो ये ग्रिल्स का भी वे लोग देखे थे पार्क में खेलते वक्त. वहाँ पे ये बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ग्रिल्स थे. लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सेड दीज सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आर विंडो एट होम. वो जो ग्रिल्स जो पार्क में देखे थे उसी को अगर थोड़ा इधर उधर कर दिया जाए, जैसे कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में है पार्क में जो ग्रिल था, लेकिन उसी को ही अगर स्लीपिंग पोजीशन में रख दिया जाए तो वो ग्रिल हमारे घर के झरोखा यानी कि विंडोज जैसे दिखते हैं. वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस. बच्चों पैटर्न्स हम लोग डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सामान में देख सकते हैं. जैसे कि आपके घर के बेडशीट हो जाए, ठीक है, आपके पापा के टॉवल्स मान लो, या फिर घर में माँ की साड़ी बोलो, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिलेंगी. अब आपको
एक चीज़ मैं होम असाइनमेंट में दूंगी कि आपके घर में जो भी सारे चीज़ें हैं, आपको तो पता है पैटर्न्स मीन्स एक ही चीज़ से बार बार रिपीट होना है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक दौर पे। ऐसे नहीं है कि कुछ भी ए बी सी डी ये आगे बढ़ता जाए, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पे आगे बढ़ने को उसको पैटर्न कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो आपके घर में जितने सारे चीज़ें हैं उनमें से पांच चीज़ों को ऐसे छांटना होगा जिसमें कि आपको पैटर्न्स मिल सकती है, ठीक है, और उसका लिस्ट बनाकर आप लोग हमें कॉपी में सेंड करोगे। अभी देखो, भोलू द रेट, भोलू एक चूहा है, ठीक हैज ईटन अ पार्ट ऑफ द सॉल ऑफ बिन्नीस मदर। वो क्या किया है, भोलू रेट ने अपना जो बिन्नी और गिन्नी के मम्मी जो थे उनका शॉल का एक साइड से एक कुतर दिया है, ठीक है। बच्चों अभी आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा कपड़ा को कुतरा है। अभी देखो यहाँ पे शॉल का आधा हिस्से कुछ हिस्सा कट चुका है ना। अब सॉल का पैटर्न आप लोग देख रहे हो कि वो डायमंड शेप में है ना। देखो चार स्क्वेयर्स को मिला के वो डायमंड शेप में रखा गया है। अभी आप लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पे चार और डिजाइन्स दिए गए हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, दाएं की तरफ चार डिजाइन्स दिए गए हैं, उसमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा है कपड़ा का हिस्सा जो कि वो सॉल का भी एक टुकड़ा है। अब बताओ बच्चों आप लोगों को कौन सा लगता है, पहला वाला उसका साइड यानी कि जो फोर डिफरेंट स्क्वेयर्स तो है लेकिन उस ऑर्डर पे था क्या, नहीं, उसके नीचे वाला नो, लेकिन लास्ट का जरा ध्यान दो, लास्ट वाला, वेरी गुड, आपका उत्तर और आपका सोच एकदम परफेक्ट है। ये वही हिस्सा है जो कि वो चूहा कुतरा था। तो बच्चों आप लोगों को पैटर्न्स थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, पैटर्न्स को और अच्छे से भी हम लोग पढ़ेंगे। पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक डिज़ाइन, कोई भी एक चीज़ जिस रफ्तार में बढ़ रहा है वो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में रहना चाहिए, तब जाके वो पैटर्न कहलाएगा। तो आशा करती हूँ कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, और होम असाइनमेंट के तौर पे आपको मैं वही चीज़ दोहराऊंगी कि आपके घर में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको पैटर्न्स नज़र आते हैं, उसको ज़रा फाइंड आउट करना है। एटलीस्ट पांच चीज़ों का नाम और उसका पैटर्न ड्रॉ करके अपने कॉपी में जमा करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।